Hi, I'm Aparna. Hi, मेरा नाम अनुज है. मेरा नाम भुवन गोयल है. मेरा नाम पार्थ प्रधान है. My name is Arnav Rastogi. Hello guys, मेरा नाम अर्पित है. Hi, my name is Roop. वर्कशॉप ज्वाइन की तो मैं रियलाइज की कि यहाँ पे एकमात्र मैं ही छात्रा हूँ जो एनालॉग फिल्म कैमरा से काम कर चुकी हूँ. तो मेरे लिए एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट था. एनालॉग फोटोग्राफी में मैंने फोटोग्राफी के पीछे की सिर्फ साइंस और फिजिक्स को नहीं, केमिस्ट्री को भी सीखा. मैंने बहुत ही करीब से एनालॉग फोटोग्राफी को जाना, अपने हाथों से डेवलप किया, महसूस किया, तो एक एनालॉग फोटोग्राफी को लेके मेरा नज़रिया पूरी तरीके से चेंज हुआ. हम लोग की अभी क्लासेस जगदीश सर के साथ चल रही थी जिसमें हम लोग ने एनालॉग फोटोग्राफी के बारे में सीखा. तो उनके साथ हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते का सेशन चला था जिसमें उन लोग ने हम लोग को काफ़ी कुछ सिखाया. हमारे अंदर बहुत बड़ी बात होती है कि हम हर चीज़ को बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं, लेकिन जगदीश सर की वर्कशॉप के बाद, फिल्म कैमरा सीखने के बाद हमारे अंदर वो स्थिरता आई, धैर्य आया. आई एम अ BFA स्टूडेंट फ्रॉम IIP. And about analog photography, I think it sparks our creativity and reminds us that good things take time. Photography एक art है और किसी भी art को जीना हमने उसकी history को जानना बहुत ज़रूरी है. Thanks to जगजीत सर हमने dark room में एक art को नहीं feel नहीं किया, हमने एक history को feel किया. वैसे मुझे कुछ भी पहले पता नहीं था, पर मैं जब IIP में आया और जगदीश सर से पता लगा कि एनालॉग और डिजिटल में क्या अंतर होता है. आजकल के ज़माने में तो डिजिटल ही कैमरा ही मोस्ट प्रॉबली यूज़ हुआ है. एनालॉग फोटोग्राफी में फिल्म कैसे डेवलप होती थी, कैसे खींचती थी. एनालॉग फोटोग्राफी जो है वो हमें सिखाती है कि हमें कितना डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें कितने पेशेंस के साथ काम करना चाहिए और कितनी एक्यूरेसी रखनी चाहिए. तो हमें पहले ही सारी चीज़ें सेटअप करनी होती है. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी टेक्स यू बैक इन टाइम एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट IIP डिड विद द फिल्म फोटोग्राफी वर्कशॉप. वी हैड वेटरन फोटोग्राफर जगदीश यादव सर विद अस हियर एट IIP टेकिंग आई वुडंट कॉल इट जस्ट अ वर्कशॉप, टेकिंग अस बैक इन टाइम विद हिम. To it wasn't just exactly about how the technicalities of black and white works and whatnot. It was more about with cameras, with photographs, we usually talk about what is in front of the camera, but this time it was a bit different. Man behind the machine. एक फोटो को डेवलप करते वक्त जब आप उसको छूते हैं तो वो आपको एक इमोशनल कनेक्शन देता है कि कभी भी कोई आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी को डिलीट नहीं करता, और जिस चीज़ से आप इमोशनली अटैच्ड है उसको आप वैसे भी कभी नहीं बर्बाद होने देंगे. जो फील किया हमने फोटो डेवलपमेंट के थ्रू, फिल्म को डेवलप किया, अपने हाथों से फील किया, वो एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था जो आज तक मैंने पहले कभी फील नहीं किया था. हमें केमिकल का भी नॉलेज रखना होता है ताकि हम उसे डेवलप कर पाए अच्छे से. हम जो क्रिएट करते हैं उससे हमारा अटैचमेंट जो है कि क्रिएशन के, हमारे क्रिएशन के थ्रू बहुत अच्छी हो जाती है, यानी कि उससे हम इमोशनली जुड़ जाते हैं. हमें लगता है कि हाँ, सच में हमने किसी चीज़ को क्रिएट किया है. बचपन में मेरा जो पहला कैमरा था वो एनालॉग ही था. एनालॉग, फिर डिजिटल और फिर एनालॉग के बारे में जब मैंने समझा तो मुझे बहुत सारी अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ. बाकी चीज़ों की जानकारी बेहतर मिल गई है क्योंकि अब मुझे पता है कि सब चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और अब मेरे को पता है कि फ्रेम्स लिमिटेड हैं तो मैं खुद ही सोच के कम फ्रेम में अच्छी तस्वीरें खींचने की कोशिश करूंगी. इससे मेरा डिजिटल फोटोग्राफी मच मोर इम्प्रूव हो जाएगा. ऑफ कोर्स वी डिड लर्न अबाउट द ब्लैक एंड वाइट, द रील, हाउ व्हाट गोज इनटू द कैमरा, हाउ द रील कम्स आउट एंड व्हाट एंड हाउ द फोटो कम्स आउट अल्टीमेटली. सो बेसिकली यू आर मेकिंग अ फोटोग्राफ रादर देन जस्ट क्लिकिंग. सो द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर वाज नॉट जस्ट अबाउट learning about the subject but learning around the subject, something different at IIP, and I'm thankful to that. तो जब हम डार्क रूम में गए उसका प्रोसेस हुआ, तो उसके बाद मैंने अपनी वो फोटो को उठाया और मैंने चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब हाँ, मैंने एक फ़ोटो क्लिक की है, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब संतुष्टि हुई कि हाँ, मैं अब फोटो मुझे इसी तरीके से खींचनी चाहिए. मैं भी डिजिटल का फोटोग्राफर हूँ क्योंकि इसी का ज़माना है. एनालॉग से शुरू किया था तब उसका जमाना था. आज मैं एक अलग तरह की फील करता हूँ डिजिटल और एनालॉग को लेकर. डिजिटल में शूट कर रहा हूँ एनालॉग के माइंड के अनुसार जो उससे मैंने उसे सीखा है, इसीलिए मेरे फ्रेम्स कम होते हैं.
और प्रिंट को हाथ में लेकर के डेवलप करते हुए अपनी इमेज को देखने का सुखद तो सबको लगता है, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे रहे, इन्होंने इंटरेस्ट लिया। असाइनमेंट करते हुए एक फोटोग्राफर को क्या क्या चीज़ देखने को मिलती हैं ये अभी इन्हें पूरा नहीं पता है, जिन्हें बताने का की कोशिश की मैंने। सिचुएशन वर्स्ट हो और पिक्चर ए क्लास हो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, सिचुएशन लग्जरी हो और पिक्चर नदारत हो तो दुख देती है। इसे शेयर करके उनके साथ साझा करके हमने बहुत आनंद का अनुभव किया। IIP एकेडमी ने इसे इनिशिएट किया जो लगातार फोटोग्राफी पढ़ाने समझाने और आज के युवाओं को बड़ा फोटोग्राफर बनाने में लगे हैं। आज हमने कंक्लूड किया है एनालॉग का पहला लर्निंग प्रोग्राम जगदीश यादव सर के साथ, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे बाहर से आए स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, जो एनालॉग फोटोग्राफी को समझना चाहते थे, फिल्म कैमरा को समझना चाहते थे, वो हिस्ट्री को जानना चाहते थे, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो उसकी है उसको समझना चाहते थे। ऑसम फीडबैक है स्टूडेंट्स का। और पीछे जाके जब हम ग्लास के ऊपर नेगेटिव बनाया करते थे और उससे कॉन्टैक्ट शीट के माध्यम से हम लोग अपनी तस्वीरों को देखा करते थे, वो प्रोसेस भी दिखाया। सभी का बहुत बहुत थैंक्स है। इसके बाद जो थैंक्स है वो IIP की मैनेजमेंट का, जो हमारी टीम है उनका। सो एनालॉग फोटोग्राफी को हम बहुत सीरियसली लेके चल रहे हैं। आने वाले समय में ये जो एक्टिविटीज़ है ये और बढ़ने वाली है IIP में। हम लोग को एनालॉग को लेकर के सिर्फ नोएडा दिल्ली में नहीं, हम इसमें पैन इंडिया काम करने वाले हैं। सो लेट अस वेलकम द टीम जिन्होंने एनालॉग फोटोग्राफी प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया और इसको सक्सेसफुल बनाने में IIP में हमारा सबका साथ दिया।